स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ईच एंड एवरी वन. हेयर दिस इज निखिल जायसवाल एंड वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट दीज चैप्टर्स. नाउन्स, अनकाउंटेबल नाउन्स, कलेक्टिव नाउन्स. पिछले के लास्ट वीडियोस में हमने नाउन के बारे में पढ़ा, नाउन के टाइप्स के बारे में पढ़ा, नाउन क्या होता है उसके बारे में पढ़ा, नाउन का टाइप क्या होता है उसके बारे में भी पढ़ा है, और कलेक्टिव नाउन क्या है उसके बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था. और लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था क्या काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स. एंड एज यू कैन सी ऑन स्क्रीन, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, आज हम इस टॉपिक पर क्या पढ़ने वाले हैं. नाउन्स जेंडर. यस बच्चों, नाउन्स जेंडर. वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट दिस टॉपिक इज दैट नाउन्स जेंडर. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. चलो लेट्स गेट स्टार्टेड. बिना कोई टाइम वेस्ट किए, बिना कुछ ऐसे पक पक किए, लेट्स गेट दिस टॉपिक स्टार्टेड. ओके, सो जैसा कि जेंडर, आप लोगों को पता होगा जेंडर होता क्या है बेटा. बहुत सारे लोग जानते होंगे जेंडर क्या होता है ना. जेंडर जानते हो क्या होता है, इसकी कोई डिफिनीशन नहीं है. जेंडर एक ऐसी चीज़ है बेटा जिसके अकॉर्डिंग आप उसको सामने वाले पर्सन को या फिर सामने वाला कोई एनिमल खड़ा है तो उसको आप पहचान सकते हो कि हाँ कौन सा क्या है. जैसे एक लॉयन है, ठीक है, लॉयन है तो आप इसको, लोग लॉयन बोल रहे हैं तो कौन सा जेंडर, अरे यार ये मेल है ना तो लॉयन. इसका ये तुरंत आपने क्या कर दिया, मेल. लॉयन क्या होता है, मेल होता है ना, और उसका फीमेल क्या होती है, लॉयनेस. उसकी फीमेल लॉयनेस, ठीक है, तो ये फीमेल हो गई. तो आप उसको अकॉर्डिंग उसको जज करते हो. अगर आपको बता दिया गया कि हाँ ये लॉयन है तो ये आपको बोलोगे कि ये मेल है, लॉयनेस है तो फीमेल है. बस यही चीज़ें हैं आपकी जेंडर, जो चीज़ें उसको डिफ्रेंशिएट करती है लाइक मेल एंड फीमेल में. ठीक है, किसमें, मेल एंड फीमेल में. तो दिस इज़ ऑल अबाउट जेंडर. अब जेंडर आपके कितने टाइप के होते हैं, फोर टाइप के. पहले यहाँ पे देखो, इमेज कुछ दिख रहे होंगे आपको, जैसे लिखा हुआ है राइट द मैस्कुलिन एंड फेमिनिन नाउन्स फॉर द फॉलोइंग एनिमल्स. आपको बताएं बेटा जेंडर चार टाइप के होते हैं, कौन कौन से, मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन एंड न्यूट्रल जेंडर. मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन, न्यूटर, ठीक है. तो इसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे, फिलहाल अभी को देखो क्या लिखा हुआ है. राइट द मैस्कुलिन एंड फेमिनिन नाउन्स फॉर द फॉलोइंग एनिमल्स. देखो पहले क्या लिखा है, क्या पीकॉक लिखा है ना, पीकॉक क्या है, मैस्कुलिन है. पीकॉक क्या है, मैस्कुलिन है. फीमेल में अगर इसको बोला जाए फेमिनिन में तो पीकॉक का फेमिनिन क्या होगा, पीहन होगा. ठीक है, पीकॉक का फेमिनिन क्या होगा, पीहन होगा. अब जैसे आपका ये कॉक है, कॉक क्या है, मुर्गा है ना, कॉक मुर्गा ही तो बोलते हैं ना, और उसके फीमेल को क्या बोलेंगे, हैन. ठीक है, फेमिनिन को हैन बोलेंगे. जैसे लॉयन अभी मैंने बताया था, लॉयन क्या है, मैस्कुलिन है, उसका फेमिनिन क्या हो जाएगी, लॉयनेस हो जाएगी. क्लियर, तो यहाँ पे ये चीज़ें बता रही है. अब देखो डियर क्या है, डियर, डियर मेल है, ठीक है, दैट मीन्स मैस्कुलिन, और डो क्या है, फीमेल है, दैट मीन्स फेमिनिन. हॉर्स क्या है, हॉर्स, हॉर्स मैस्कुलिन है और उसकी फेमेल हो गई, मेयर. क्लियर, यहाँ पे बुल, बुल मतलब क्या है, हाँ, और उसकी फीमेल क्या हो गई, फेमिन, काऊ हो गई. ठीक है, तो यहाँ पे ये ऐसी चीज़ें यहाँ पर ऐसे आपको लिखनी है, ठीक है, आपको फिल करनी है. देखो लुक एट दी सेंटेंस, यहाँ पर कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, उसको देखिए. माई मदर एंड फादर आर बॉल डॉक्टर्स. मदर एंड फादर, देखो फादर क्या है, मैस्कुलिन है, मदर क्या है, फेमिनिन है. देखो बेटा मैस्कुलिन फेमिनिन में कभी कंफ्यूज नहीं होना. देखो मैं आपको अच्छे से वे में समझा देता हूँ. देखो जैसे आपका एम, एक सेकेंड, जैसे आपका एम है, ठीक है, एम मीन्स मैस्कुलिन, ठीक है, मैस्कुलिन हुआ ना, ठीक है, एम मीन्स मैस्कुलिन, और एम मतलब भी मेल, ठीक है, एम मतलब मेल, एम मतलब मैस्कुलिन, ठीक है, और एफ जो है आपका, F means feminine और F means female. तो M जहाँ आएगा तो आप समझ लेना masculine है मतलब male, और F जहाँ आएगा समझ लेना feminine है मतलब female. ठीक है, कोई doubt? No. Male, masculine, ठीक है, जहाँ पे कोई male दिखा तो समझ लो masculine है, female दिखी तो समझ लो feminine है. ठीक है, इसको M, masculine को M से, female को जो feminine आपका को F से. ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, चलो अच्छे से कर लोगे आई गेस, समझ में आ गई आपको फेमिनिन और मैस्कुलिन में. देखो क्या लिखा है यहाँ पे, देखो लुक एट दिस सेंटेंसेस. माय मदर एंड फादर आर बॉथ डॉक्टर्स. मेरे मम्मी और पापा दोनों डॉक्टर हैं. तो मम्मी क्या हो गया, फेमिनिन हो गया ना, फीमेल है. ठीक है, फादर क्या है, मैस्कुलिन हो गया क्योंकि मेल है. क्लियर. आई सॉ टू हैंस एंड वन कॉक इन द कूप. मैंने दो
मुर्गे सॉरी दो मुर्गियाँ और एक मुर्गे देखे कूप में, ठीक है। तो जो टू हैंस, हैंस क्या है, हैंस फीमेल है ना, तो दैट मीन्स इट वुड बी फेमिनिन, ठीक है। और कॉक क्या है, मेल है, तो इट वुड बी मैस्कुलिन, ठीक है। द लायनेस एंड द लायन आर इनसाइड द केव, जो लायनेस एंड लायन, जो शेर और शेरनी दोनों गुफा के अंदर हैं, तो क्या हुआ आपका, लायनेस फीमेल मीन्स फेमिनिन और जो लायन है आपका मेल मतलब मैस्कुलिन, क्लियर। यहाँ पे वही बता रहा है, द वर्ड्स मदर हेन एंड लायनेस आल रिफर्स टू द फीमेल्स ऑफ द सेम स्पीसीज एंड द वर्ड द वर्ड्स कहा गया, फादर कोक कॉक एंड लायन रेफर टू द मेल्स ऑफ द सेम स्पीसीज, ठीक है। सेम स्पीसीज के सारे ऐसे यहाँ पे आपको एग्जांपल्स दिए गए हैं। आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया। मैस्कुलिन एंड फेमिनिन में कोई भी डिफरेंस नहीं आ रहा होगा, ठीक है। मैस्कुलिन क्या होती है, फेमिनिन क्या होती है, सब आपको अच्छे से आ रही होगी, ठीक है। आपको बताया जाए मैस्कुलिन और फीमेल में डिफरेंस बताओ, तुरंत ही आप लोग बता लोगे कि सर ये है, ये डिफरेंस है, ठीक है। चलो मूव अप टू द नेक्स्ट टॉपिक। देखो यहाँ पे शायद आपको क्लियर नहीं आ रही होंगी, देखो मैं आपको दूसरे तरफ से बता देता हूँ। ये है, देखो बेटा नाउन्स आर, देखो आपकी स्क्रीन में देखो, नाउन्स आर डिवाइडेड इनटू फोर टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ द जेंडर। मैंने अभी आपको बताया था ना फोर टाइप्स के जेंडर होते हैं, कौन कौन से होते हैं, मैस्कुलिन, फेमिनिन, फिर कॉमन, फिर न्यूटर, ठीक है। फोर टाइप्स के जेंडर होते हैं जैसा कि आप स्क्रीन में देख सकते हो, क्लियर। नाउन्स आर डिवाइडेड इंटू फोर टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ द जेंडर। देखो पहला क्या दे रखा है, मैस्कुलिन, ठीक है। अ नाउन्स विच रेफर्स टू मेल इज सेड टू बी द मैस्कुलिन जेंडर। नाउन्स जो मेल को सिर्फ इंडिकेट करता है तो वो क्या कहलाता है आपका, मैस्कुलिन, ठीक है। और अ नाउन विच रेफर्स टू अ फीमेल इज सेड टू बी द फेमिनिन, जो फीमेल को इंडिकेट करती है वो फेमिनिन, क्लियर। और देखो कॉमन क्या होता है, अभी आपको पता चल चुका है फेमिनिन और मैस्कुलिन में डिफरेंस, ठीक है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं आपके फेमिनिन और मैस्कुलिन के, मैस्कुलिन के ये एग्जांपल्स हैं, फेमिनिन के ये रहे, ठीक है। अब आपको बताते हैं कॉमन क्या होता है बेटा, कॉमन ऐसा समझ लो जो मेल और फीमेल दोनों को इंडिकेट करता है उसको हम कहते हैं कॉमन जेंडर, ठीक है। जो मेल और फीमेल दोनों को इंडिकेट करता है, दोनों को दिखाता है, ठीक है, कि हाँ ये मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है, ठीक है। तो ये ऐसे टाइप के जेंडर आपके कहलाएंगे कॉमन जेंडर, कैसे जेंडर कहलाएंगे, कॉमन कॉमन जेंडर, क्लियर। तो इस टाइप के जेंडर्स आएंगे तो समझ लेना कॉमन है, क्लियर। एग्जांपल्स में आप देख सकते हो डेंटिस्ट, डेंटिस्ट, अब ये तो बता नहीं रहा कि नहीं ये मेल है फीमेल है, ठीक है। अब चाहे ये मेल हो सकता है चाहे फीमेल हो सकता है, दोनों में से कोई हो सकता है। चाइल्ड, चाइल्ड, ये तो नहीं बता रहा ना कि ये मेल या फीमेल है, अब चाहे दोनों में से कुछ भी हो सकता है, जैसे पेरेंट है, कजिन है, ये सब मेल या फीमेल दोनों हो सकते हैं, ठीक है, या फिर मेल हो सकते हैं या फिर फीमेल हो सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप के जेंडर को हम बोलेंगे कॉमन, ठीक है, आ गई बात समझ में, गुड। चलो अब न्यूटर पे देखते हैं, न्यूटर जेंडर क्या होता है, अ नाउन विच रेफर्स टू अ नॉन लिविंग थिंग इज सेड टू बी द न्यूटर जेंडर, ठीक है। इट इज़ नेदर मेल और फीमेल। अब जो न्यूटर जेंडर होता है आपका वो नॉन लिविंग थिंग होती है, जैसे कि एक आपके हाथ में पेन है, ठीक है, या फिर मोबाइल है, फ़ोन है, ठीक है। तो ये सब क्या हुआ आपके न्यूटर जेंडर में आएगा, मतलब जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो न्यूटर जेंडर्स कहलाएंगी। दैट्स ऑल अबाउट दिस जेंडर, ठीक है। जेंडर जिसमें नॉन लिविंग थिंग्स आएंगी, ओनली नॉन लिविंग थिंग्स, जिसका लिविंग से कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है, तो वो नॉन लिविंग होगी। तो ये ऐसे टाइप के जेंडर कहलाएंगे न्यूटर जेंडर, ठीक है बेटा, न्यूटर जेंडर इस टाइप के कहलाएंगे, क्लियर। ये मेल और फीमेल कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है, सिर्फ इसको अगर नॉन लिविंग है तो ये हमेशा समझ लेना कि न्यूटर जेंडर है, क्लियर। तो आई होप आपको मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन एंड न्यूटर समझ में आ गई होगी, बहुत ही अच्छे से आ गई होगी। सो लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक मूव करते हैं। द नाउन्स आर डिवाइडेड इन द फोर टाइप्स, फेमिनिन, मैस्कुलिन, कॉमन, न्यूटर। देयर इज सम एक्सरसाइज, यहाँ पे कुछ एक्सरसाइज आपको दिख रहे होंगे। राइट एंड गिवन नाउन्स इन द करेक्ट बॉक्सेस। अब यहाँ पे जिसकी भी बुक है उस बच्चे ने फिल कर रखा है, अगर आप लोगों ने नहीं फिल किया है तो कम्प्लीटली आप इसको फिल कर लो। यहाँ पे देखो बेटा कुछ बॉक्स हैं, ठीक है, बॉक्स में कुछ ऐसे वर्ड्स लिखे हुए हैं, ठीक है, जिसको आपको अकॉर्डिंग उसको फिल करना है। यहाँ पे मैस्कुलिन है, जितने आपको बॉक्स में मैस्कुलिन दिख रहे होंगे, बॉक्स में जितने भी वर्ड्स आपको मैस्कुलिन दिख रहे होंगे तो आपको इस कॉलम में भरना है, मैस्कुलिन वाले में, ठीक है, क्लियर। आपको मैस्कुलिन के कॉलम में फिल करना है, जितने भी आपको इसमें मैस्कुलिन दिख रहे होंगे आपको मैस्कुलिन में फिल कर देना है, ठीक है। और जितने भी फेमिनिन आपको दिख रहे होंगे इसमें, फेमिनिन जितने भी दिख रहे हैं, फेमिनिन,
ठीक है, आपको इसमें फिल कर देनी है, जैसे भाई इस बच्चे ने किया हुआ है, ठीक है। किंग क्या है, किंग आपका मैस्कुलिन है ना, तो इसमें डालो, और वोमेन क्या है, फेमिनिन, तो इसमें डालो, ठीक है। ऐसे सारे सारे आप ऐसे कर लो। एनी डाउट? नो, आई होप बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आ रही हो ये चैप्टर, ठीक है। चलो नेक्स्ट में मूव करते हैं। बी देख लो, आपका बी एक्सरसाइज भी ऐसे ही कुछ करना है, जिसमें कुछ नाउन दिए गए हैं उसको करेक्ट बॉस में फिल करना है। जैसे कि आपका अभी मैस्कुलिन फेमिनिन में था, वैसे ही कॉमन एंड न्यूटर है। वहाँ पे क्या था, वहाँ पे मैटर था फेमिनिन एंड मैस्कुलिन का, अब यहाँ पे मैटर कॉमन एंड न्यूटर का। तो जितने भी यहाँ पे आपको कॉमन न्यूटर दिख रहे हो, ठीक है, इस बॉक्स में जितने भी कॉमन दिख रहे हैं तो आपको इस बॉक्स में डालना है, और जितने भी इसमें न्यूटर हैं तो उसको आपको इस बॉक्स में डालना है, ठीक है। मैंने समझा ही दिया कॉमन क्या होता है, न्यूटर जेंडर क्या होता है, ठीक है। तो जितने भी आपको दिख रहे हैं सबको आपको इसमें बॉक्स में फिल करना है, ठीक है। और फिल करके यही आपका होमवर्क है, जितने ये एक सेकेंड जो मैंने आपको ये बताया था ए वाला, ठीक है, ये आपका होमवर्क है, और ये जो मैं अभी आपको बी बता रहा हूँ ये भी आपका होमवर्क है, ठीक है। इसको बुक में फिल करो, बुक में फिल करके कॉपी में नोट डाउन करके मुझे होमवर्क सेंड करो 4 बजे से पहले पहले। समझ में आई बातें, लेक्चर समझ में आया अच्छे से, और वीडियोस को देखो अच्छे से और उसको फिल करो, क्लियर। यहाँ पे सी एक्सरसाइज दे रखा है कुछ, रीराइट द सेंटेंसेस आफ्टर चेंजिंग द जेंडर ऑफ द अंडरलाइन नाउंस। यहाँ पे क्या बता रहा है, सेंटेंस को लिखिए उस जेंडर को चेंज करके जो अंडरलाइन किए गए हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो आपको बुक में, देखो बुक में गर्ल है, जो गर्ल्स है उसको अंडरलाइन किया गया है ना, अब इसको चेंज कर दो, गर्ल्स का जेंडर क्या होगा, बॉयज़ होगा ना, डेफिनेटली बॉयज़ होगा। तो बस खाली आपको यही करना है, सारे के सारे वैसे लिखे रहने देने हैं, जहाँ पे अंडरलाइन जैसे गर्ल्स है बॉयज़, ठीक है, तो बॉयज़ की जगह गर्ल्स कर दो, तो ये सेंटेंस हो जाएगा द बॉयज़ प्ले म्यूजिक वाइल द गर्ल्स डांस, ठीक है। क्योंकि हमने ऐसा, क्योंकि यहाँ पे बता रहा है कि जो आपको सेंटेंस दिए गए हैं उसमें आपको चेंज करना है, गर्ल्स को चेंज करना है, ठीक है, और बॉयज़ को चेंज करना है, ठीक है। दोनों को चेंज करके जेंडर और सेंटेंस को ऐसे ही आपको रीराइट करना है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे सेकंड देखो, ग्रैंड फादर में अंडरलाइंड है ना, तो उसको क्या कर देना, ग्रैंड मदर कर देना, बाकी ये सब ऐसा सेम लिख दो, और मदर को फादर कर देना, बाकी सेंटेंस आपका सेम हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। और जो इम्प्रेस है, इम्प्रेस की जगह एम्परर कर दो, इम्प्रेस मतलब क्या हुआ, एम्परर जो होता है ना, एम्परर शासक जिसको बोला, जो क्वीन जो वहाँ का योद्धा जिसको बोलते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली हो, ठीक है, एम्परर जिसको बोलते हैं, तो उसकी जो फेमिनिन होगी इम्प्रेस होगी, तो इम्प्रेस का मैस्कुलिन जेंडर होगा एम्परर, बस ये चेंज करके बाकी सेंटेंस वैसे लिख दो, आगे बात समझ में, गुड। तो सारे के सारे आपको ऐसे ही करने हैं, क्लियर, समझ में आई बात है ना। चलो इतना आप लोग कर लो, और डी भी देखो, डी एक्सरसाइज, रिप्लेस द अंडरलाइन नाउंस विद नाउंस ऑफ कॉमन एंड जेंडर यूजिंग द वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। अब देखो यहाँ पे जो बॉक्स में आपको वर्ड्स दिख रहे हैं, ठीक है, इसको चेंज करने हैं, जो क्या करना है, कॉमन जेंडर में चेंज करना है, जो एक सेकेंड ये जो आपका वर्ड्स दिख रहा है, सेंटेंस है द बॉयज़ एंड गर्ल्स कैन हैप्पली इन द फील्ड, रैन हैप्पली इन द फील्ड। अब जो बॉयज़ एंड गर्ल्स है इसको चेंज कर दो, तो जो बॉयज़ एंड गर्ल्स को कॉमन में चेंज करना है, तो कॉमन में चेंज करोगे तो बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों हटा के सिर्फ चिल्ड्रेन कर दोगे, ठीक है, क्या कर दोगे, चिल्ड्रंस, चिल्ड्रंस क्या है आपका, कॉमन है, ठीक है, जैसा कि ये बता रहा है कॉमन जेंडर में आपको चेंज करना है, क्लियर, कॉमन जेंडर में आपको चेंज करना है, तो जो बॉयज़ एंड गर्ल्स है उसको आप किस में चेंज कर दोगे, चिल्ड्रेन में, ठीक है, क्लियर, बाकी सेंटेंस ऐसे ही रख देना है। सेकेंड एग्जाम्पल देखो, द बॉयज़ मदर एंड फादर, अब देखो मदर एंड फादर दोनों क्या हो गए, दोनों को, इन दोनों को हटा दो आप, मदर एंड एक सेकेंड, जो आपका मदर एंड फादर है इन दोनों को ऐसे ही हटा दो, ठीक है, इरेज कर दो, और उसके जगह पे क्या कर दो, पेरेंट्स, क्यों, पेरेंट्स क्या हुआ आपका, कॉमन है, तो यहाँ पे हम ऐसे पेरेंट्स कर देंगे, क्लियर। अब जैसे नैनाज आंट एंड अंकल आर गोइंग टू गोवा, ठीक है, अब आंट एंड अंकल है, आंट एंड अंकल को ऐसे ही इरेज कर दो, ठीक है, इरेज करके कॉपी में नोट डाउन करो रिलेटिव्स, ठीक है, अंकल अंटल, अंकल और आंटी क्या हुए, रिलेटिव हुए ना, तो ऐसे यहाँ पे टाइगर एंड टाइग्रेस है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, एनिमल्स, या फिर कुछ भी कर सकते हो, ठीक है, बस खाली आपको कॉमन करना है, ठीक है, गुड। जो यहाँ पे बर्ड्स दिखे गए हैं, सॉरी यहाँ पे जो आपको बॉक्स में दिखे हैं उसी के अकॉर्डिंग आपको चेंज करना है, ये जो आपको दिखे हैं, और बहुत ईजी से आप कर सकते हो, ठीक है। अब जैसे 4 वाले देखो, द टाइगर एंड टाइग्रेस, तो इसमें क्या फिल करना है आपको, बीस्ट फुल करना ना, बीस्ट, बी ई ए एस टी एस, तो यहीं पे आपको फिल कर देना है, ठीक है। 5 देखो, मेनी पैरट्स एंड मैनाज कम टू माई बालकनी इन द मॉर्निंग, तो पैरट्स एंड मैनाज को हटा के बर्ड्स कर देना, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखिए, ठीक है,
ऐसे ही आपको सारे के सारे करने हैं। गुड, तो आई होप आप सबको समझ में आया हो। अगर नहीं भी आ रहा है तो कोई बात नहीं, डॉट क्लास लगेगी, उसमें समझ में आ जाएगी आपको। नो वरीज, नो प्रॉब्लम, नो टेंशन। सो देयर यू विल सी सम काइंड ऑफ न्यूज़। आ गई होगी आप सबको समझ में, और आई होप कोई भी इससे रिलेटेड कोई भी आपको डाउट नहीं है। जो कुछ भी डाउट होगा आप पूछ सकते हो, लेकिन फिर भी मैंने बहुत ही शॉर्ट वे में आपको समझा दिया चैप्टर को, ठीक है। जेंडर क्या होता है, इसके एग्जांपल्स कैसे आपको करने हैं, और कैसे कैसे आपको उसकी समझना है, ठीक है। और वीडियो को देखो, ज़्यादा से ज़्यादा इसको देख के इस पर कॉमेंट करो, अगर अच्छा लगता है तो मुझे पर्सनली मैसेज करो। आप सबके लिए ये लेक्चर्स बनाए जाते हैं। सो हैव अ गुड डे, हैव अ नाइस डे, टेक केयर ऑल एंड एवरीवन। अपना ख्याल रखिए और घर पे ही रहो, कोविड चल रहा है, लेक्चर्स को देखते रहो। सो